जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉन साइन, यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू, सो लेट्स बिगिन। फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल, कैप्रिकॉन, आई थिंक आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं किसी के साथ, और मे बी इट्स अबाउट फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, और कम्युनिकेशन। हाँ, बट कुछ बर्डन्स भी हैं, ऑफ कोर्स कुछ बर्डन्स हैं आपके ऊपर, प्रेशर्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट स्टिल आप उसको ओवरकम करना चाहते हैं, किसी से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, अच्छा, दिस पर्सन इज़ ऑन द क्रॉस रोड्स। हो सकता है ये किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके हर्ट है, या दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, या दे हैव लव, उनके मन में आपके लिए लव है, इमोशंस हैं कुछ के लिए। हो सकता है इट्स अ सोलमेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन और अ न्यू कनेक्शन, और शायद ये पर्सन आपको लेके क्रॉस रूट्स पे हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा, और आप भी थोड़े बर्डनड हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक येस, डेफिनेटली अ न्यू कनेक्शन कमिंग योर वे कैप्रिकॉन, कुछ कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, बट स्टिल आई थिंक यू आर टेकिंग टाइम। अच्छा, यस, आप टाइम ले रहे हैं क्योंकि आपको शायद फियर है, देर इज़ फियर इनसाइड यू। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी, कुछ कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नो लाइक न्यू कनेक्शन, बिल्डिंग अप फैमिली, यू नो, शादी, दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है, कमिटेड लॉयल रिलेशनशिप। और अच्छा, हो सकता है इफ़ यू आर अ मैरिड कपल, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक अनडिसीजन है। मान लीजिए इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट सेटलमेंट, और आपकी शादी में शायद कुछ बर्डन्स हैं, आपकी शादी में शायद कुछ हिडन है, टॉक्सिक हो सकता है अराउंड, या आपके पार्टनर हैं, यू नो दे आर चीटिंग ऑन यू या हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम यू, सो ये भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यस, ये है, स्टिल है, बट somebody is working on it, मुझे ऐसा लगता है कोई यहाँ पे like somebody is working, you know, they are putting efforts, and कुछ लोगों के लिए it's about planning, future planning, having kids, और वो चीज़ भी you know planning चल रही है। करियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉन का? ओके, टू मेनी कार्ड्स। करियर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आई थिंक नई पॉसिबिलिटीज आ रही है, या कोई नया वेंचर सोच रहे हैं करने के लिए करियर वाइज। यस, इट्स अबाउट, यस, अगेन वही सेम कार्ड्स हैं, कुछ स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं, और ये हफ्ता हो अच्छा हो सकता है, हो सकता है आपको कहीं से हेल्प मिले, और मे बी फर्दर यू आर प्लानिंग यू नो फर्दर, मूविंग फर्दर। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे कैप्रिकॉन के लिए। अच्छा, कंटेंटमेंट दिखाई दे रही है और हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, और एक मन में आपके वो है कि येस हो जाएगा ये, बिकॉज विद द एस ऑफ सोर्ड इट्स अबाउट सक्सेस इन लाइक कोई सक्सेसफुल वेंचर, मतलब आप हैप्पी हैं कि येस इट विल वर्क। तो ये चीज़ें कैप्रिकॉन के लिए हो सकती हैं। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल? आई थिंक मान लीजिए कि अगर आप कोई जॉब भी करते हैं तो इट्स अबाउट बीइंग कंटेंट। हो सकता है कि आप जो फैसला हो वो आपके हक में हो, आपने किसी चीज़ में ले अप्लाई कर रखा हो, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, यू नो, सो ऑल इन ऑल उसमें मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए है स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ। अगर माइंड में कुछ उल्टे सीधे थॉट्स चल रहे हैं तो स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ, आगे बढ़िए, कंटेंट, हैप्पी, यू नो, वर्क ऑन योर सेल्फ, बजाय कि लड़ने के ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपने आप पे काम कीजिए, आप अपने आप पे फोकस कीजिए और नया विजन क्रिएट कीजिए कि आगे चल के आपने क्या करना है। सो ये चीज़ें हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।